हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, जो भी डीजीपे चलाते हैं तो इसके अंदर हम बायोमेट्रिक कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम शो होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा आ गया अनेबल टू डिटेक्ट रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस। तो ये प्रॉब्लम आता है जब भी हम मोरफो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, जब भी हम डीजीपे चलाते हैं तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम शो होता है। तो चलिए आज इसका निवारण करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट के ऊपर जाना है और उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर आपको देखिए यहाँ पे सर्च करना है आपको, और सबसे नीचे आने के बाद में प्रोग्राम एंड फ्यूचर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो भी मोरफो के ड्राइवर हैं उसको यहाँ पर सबसे पहले हटा लेना है। तो जो भी है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी को अनइंस्टॉल कर देता हूँ फटाफट से परमानेंटली। ठीक है, उसके बाद में सभी को एक एक करके हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोरफो का भी था, मंत्रा का भी था, तो जो भी है मैं सभी को एक बार हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोरफो RD सर्विस है, इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, छोटा सा प्रोसेस है और इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ और जो भी मोरफो के ड्राइवर हैं उन सभी को हटा देते हैं। तो चलिए मैंने सारे हटा दिए यहाँ पर, और अभी क्या करना है इसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद में देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर पे जाना है, और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद में लोकल सी ड्राइव खोलना है, और सी ड्राइव के अंदर देखिए मोरफो के दो सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इन दोनों सॉफ्टवेयर को, यार तीन सॉफ्टवेयर हैं, तीनों को यहाँ पर डिलीट कर देना है, परमानेंटली डिलीट कर देना है, और यहाँ पर यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हट चुके हैं, और हटने के बाद में देखिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद में देखो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे ऊपर जाना है और यहाँ पे RD सर्विस .com ये ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको यहाँ पे देखिए क्लिक करना है डाउनलोड पे, और यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करना है। विंडो सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड होने लग गया, आप नीचे देखोगे तो देखिए RD सर्विस डाउनलोड होने लग गया, और यहाँ पे शो के ऊपर ओपन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नया फोल्डर बन के आ चुका है, इसके ऊपर दो बार क्लिक करना है। तो चलिए मैं दो बार क्लिक करता हूँ, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं और इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट आल लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ भी एक्सट्रैक्ट आल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया फोल्डर बन के आ चुका है, तो इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके और इस पर भी डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, रन करने के बाद में देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी मोरफो के RD सर्विस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में कंप्यूटर रिस्टार्ट के लिए बोलेगा। ठीक है, और आपको बायोमेट्रिक हटा देना है और यहाँ पे कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, जैसे ही रिस्टार्ट होता है कंप्यूटर हमारा दोबारा से ओपन हो चुका है, और यहाँ पे बायोमेट्रिक को दोबारा से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में देखिए डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे DigiPay को एक बार ओपन करके देखते हैं, और चलिए क्लिक कर देते हैं। अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट लेगा, और उसके बाद में देखते हैं हमारा DigiPay जो प्रक्रिया है वो काम कर रही है या नहीं। इसको अलाउ कर देते हैं, एंटीवायरस सिक्योरिटी पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपने DigiPay को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो कैसे ये चालू हो चुका है, यहाँ पे ID पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर सकते हैं।